नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और साल 2022 में आर्थिक मंदी के चलते लोग सड़क पर उतर आए थे। यहां तक प्रदर्शनकारी तत्कालीन राष्ट्रपति के पैलेस के अंदर भी घुस गए थे। इसके बाद उन्होंने सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ी बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा था। राजपक्षे के बाद 75 साल के रानी विक्रमसिंघा को प्रेसिडेंट बनाया गया था। आपको बताएं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 3 दर्जन उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हालांकि मुकाबले में सिर्फ 4 उम्मीदवार ही नज़र आ रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति और इसके साथ साथ वामपंथी राजनेता अरुणा कुमार और इनके साथ नेता प्रतिपक्ष सजीत प्रेमदासा और पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, 38 साल के बेटे नमल राजपक्षे जो अपने परिवार की राजनीति विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रीलंका के स्थानीय मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव शनिवार की शाम करीब 4 बजे तक होने वाले हैं और नतीजे रविवार यानी कि 22 सितंबर को आने वाले हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव पर भारत की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि ये सामरिक और कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। सामरिक नज़रिए से बात की जाए तो श्रीलंका भारत के दक्षिणीय तट के करीब स्थित है, जहां भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर स्पेस रिसर्च सेंटर और नवल बेस भी शामिल है। श्रीलंका की कुल आबादी करीब 11% हिस्सा तमिल है, जो खासकर उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। इनमें से कईयों के रिश्तेदारियां दक्षिण के राज्यों में भी हैं। श्रीलंकाई तमिल हमेशा से भारत और श्रीलंका के संबंधों की एक अहम कड़ी रहे। भारत श्रीलंका तमिलों की हालात को लेकर चिंता भी जाहिर करता रहा है और साल 1987 में जब भारत श्रीलंका के बीच समझौता हुआ तो श्रीलंका संविधान का 13वां संशोधन लागू करने को तैयार हो गया। हालांकि ये संशोधन आज तक लागू नहीं हो पाया है और इस संशोधन के तहत श्रीलंका की 9 प्रांतों की स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियां स्थानांतरित की जानी थी, जिनमें से कुछ तमिलों को दबदबे के वाले राज्य भी बताया जा रहा है। पिछले साल जुलाई के अंदर जब राष्ट्रपति ने नई दिल्ली आए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे श्रीलंकाई तमिलों को जिक्र करते हुए ये कहा था कि ये उन्हें उम्मीद है कि श्रीलंका सरकार 13वां अमेंडमेंट जल्द से जल्द लागू करेगी। अब आपको बताते हैं कि ये चुनाव भारत के लिए आखिर इतना अहम क्यों माना जा रहा है। श्रीलंका कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम देश है और पूर्वी राजदूत अनिल त्रिगुणयात्ता ने एक निजी चैनल को बताते हुए कहा कि श्रीलंका की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अहम है, ये भारत के बहुत करीब है और इसीलिए चीन हमेशा से इसको अपने पाले में लेने की कोशिश करता रहा है। हाल ही के सालों में बात की जाए तो श्रीलंका में चीन का दबदबा बढ़ा है और ये भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय भी बना है। इसीलिए चुनाव पर भारत की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर श्रीलंका में किसकी सरकार आती, कौन प्रेसिडेंट बनता है। हाल के दिनों में पड़ोसी मालदीव ने चीन सामंत मोहम्मद मुइज़्ज़ू को सरकार आई है और भारत के करीबी शेख हसीना की गद्दी छोड़नी पड़ी है। इस स्थिति में भारत कतई नहीं चाहता है कि अब श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही प्रतिकूल बदलाव हो सके जिससे आने वाले 2 देश यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच जो बातचीत की खाई बढ़ रही है वो और बढ़ती नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।